दोस्तों वेलकम टू बैक माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आज का जो रिएक्शन है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त होने वाला है। और दोस्तों ये रिएक्शन अगर आपने नहीं देखा तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं देखा। इस रिएक्शन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को मिस मत करना। और हाँ, पहले हम लोग वीडियो को देख लेते, इसके बाद करते बहुत सारी बातें। सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ, बड़ा कटोरा उनके हाथ में है, सबसे बड़ा कटोरा, और दर दर जाके भीख मांगते हैं। जबकि आपके वजीर आजम जो पिछले जोकर वजीर आजम थे, जिनको मैं जोकर वजीर आजम कहता है कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था, शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने मुँह से कहते कि हम बेगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है, मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था। उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि हम किस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी के आगे से लड़ेगा नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने 2 करोड़ नौकरियों का किया था पाकिस्तान से, वादे किए थे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2 करोड़ नौकरियाँ गई कहाँ पर हैं। बेकारी जितने भी हैं ना पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, इतने अमीर तरीन हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ। वो 2-3 हज़ार रुपया कमाते रोज़ाना, वो वीज़ा तो ले सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान की गवाही दे रहे, सारे साथ में सामान से आ रहे तेरे पास अभी खड़े, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान। ये कैसे हुक्मरान है हमारे मुल्क में, गरीब ये तारा पैसा है हिंदुस्तान का नाम क्यों ले रहे हो खड़े, तो आप पाकिस्तान में मार्केट में बेटा, इधर से अंग्रेज भगाए थे हमने, वो नहीं दे सकते। अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी भेजा कि जाके भीख मांगो उनको। अब हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ही इतनी, हर बंदा भीख मांग रहा है, मैं क्या कर सकता, मुझे अपना पता। जो यहाँ के लोग हैं, जो जैसे YouTube में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का जो है पब्लिक के बीच में जाकर रिएक्शन करना और बात करना, इसलिए इम्प्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अब जो यहाँ के युवा हैं वो भी अच्छा सोचने लगे किसी और कंट्री के बारे, तो वीडियो को और देखो। हम गैप कहला में हमारे पास, हम कह रहे वो इधर है, ये बच्चा ना अभी समझ जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं है थोड़ा सा। मुझे इनके रिएक्शन के नहीं समझ आ रही। हर इस मुल्क को एक तमाशा बनाया हुआ, एक सर्कस है जो लगा हुआ है, और उसमें जो है ना हर किस्म का मदारी जैसे अपना अपना कैरेक्टर ले, मदारी नाच रहा है। जी बिल्कुल, मदारी नहीं नाच रहा है, ये मदारी लोगों को नचवा रहा है, ठीक है ना। ये वो मदारी है जो खुफिया है, पीछे है, ये मदारी नजर नहीं आता, लेकिन इस सर्कस में हर अपना कैरेक्टर इन कर देता है। हमारी भीख मांगना कैसी आदत है? भीख मांगना बहुत बुरी आदत है। अच्छा? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जज्बे से कह रहे हो जैसे कभी भी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इन लोगों का जो है अपने जो वहाँ के पॉलिटिक्स में जो भी बड़े लीडर्स हैं उनके लिए क्या सोच है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है इसलिए जो है जनता उनसे विद्रोह करती, उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहती। तो ऐसे काम किसी राजनेता को नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आजकल जैसे हम सब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी ना? बात। इसका फायदा क्या होता है भीख मांगने? कोई 3 फायदे बता दो। आप किसी से पूछे जो भीख मांग रहा वो आपको बताएगा, साइड पर जाके वो देखेगा कि माशाल्लाह आज मैंने 5,000 की दिहाड़ी लगा ली है। जो बेचारा गरीब दिन में जा रहा है मजदूर, वो 800 रुपए या 1,000 रुपए कमा रहा है, उसकी ऐसे 5,000 लग रही है, बस ये एक उनका फन हो गया। अपने पासपोर्ट की वैल्यू हमने कराई हुई है इस टाइम, हर मैक्सिमम 9 कंट्रीज़ हमें ऑन अराइवल वीज़ा पे कर रही हैं, वो भी वो कंट्रीज़ है जो सिर्फ टूरिज्म के लिहाज से जानी जा सकती हैं। अगर आप बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, वो लोग यहाँ से सिर्फ स्पेसिफिक वो लोग उठा रहे हैं जो स्किल्ड बेस्ड हैं, अदरवाइज़ वो उन लोगों को वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहे जो कि सिर्फ अप्लाई करके उधर जाके अपना ये जो भीख मांगना शुरू कर दे, वो इसके ऊपर नहीं कर रहे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे 99% गिरफ्तारियाँ हुई हैं अरब ममालिक में, और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से निकला है। जुर्म क्या है जी? भीख मांग रहे थे। अगर हम अरब ममालिक की बात करें वहाँ पर भीख मांगना जो है कानूनी जुर्म है, और जुर्म अगर बात करें किसी भी कंट्री में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ इराक की बात करें तो पिक पॉकेट, जिनको हम जेब कतरे कहते हैं, वो भी जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन जो मुल्क के बाहर जाते हैं वो कोई गरीब लोग नहीं होते, वो वीज़ा अफोर्ड कर रहे हैं, वो पासपोर्ट जो है इशू करवा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करवा रहे हैं, लेकिन बाहर क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये, हमारी नेशनलिज़म, हमारी कौमियत कहाँ पर खड़ी है? क्या हम बहस्ते कौम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर गैर कानूनी, गैर इखलाकी काम करेंगे तो सवाल हमारे मुल्क पर उठाया जाएगा, सवाल हर पाकिस्तानी पर उठाया जाएगा। और
अगर हम बात करें इसी के साथ सऊदी अरब में इंडियंस भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस का भीख मांगने में नाम नहीं आता क्योंकि वो मेहनत को प्रायोरिटी देती हैं। हमारी और हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी भीख मांगना ही क्यों। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मस्त है। तो इस पूरी वीडियो का जो लिंक है ना, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप वहाँ से जाके, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी है, काफ़ी लंबी है, और इस वीडियो को वहाँ पे जाके फुल वॉच करना कि वहाँ के लोग और वहाँ की जनता कैसे परेशान है, कैसे दुखी है, और कितना ज़्यादा वो लोग अपने जो राजनेता हैं उनके लिए कितना उल्टा बोल रहे हैं ये लोग। कि वहाँ की जो कौम है ना, तो वो लोग समझना ही नहीं चाहती। बहुत युवा पीढ़ी वहाँ की आ रही है अब, वो थोड़ा सा समझ रही है, क्योंकि समझना उसको पड़ेगा। नहीं समझेगा तो उसका देश जो है ना ख़त्म होने के कागार पे ही है। पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाए कुल मिला के, क्योंकि कंट्री ऐसी है वहाँ पे भुखमरी, आजकल अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा, वहाँ पे तेल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, जिसकी हम वीडियो देख रहे हैं। इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देखना, कि आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत है वहाँ पे, आटा भी शायद नसीब नहीं हो रहा था। दोस्तों, कहते रहे जब राजनेता अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़, राजनेता के साथ साथ जनता का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। अगर जनता सही होगी तो राजनेता भी ठीक होगा, अगर जनता ही गलत होगी तो राजनेता गलत हो गई। वहाँ के पाकिस्तान में क्या, जो भी लीडर्स आए उन्होंने अपना सिर्फ पेट भरा है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इस रिएक्शन वीडियो को यहीं समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगले वाले रिएक्शन वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे बहुत सारी बातें। जब तक के लिए हम लोग बाय बाय कर लेते हैं।